TIGS के डेली MCQ प्रोग्राम में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम अनुराग पांडे है। आइए बिना देर के हुए आज के अपने MCQ प्रोग्राम की शुरुआत करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, चर्चा में रहे पोर्टर पुरस्कार 2023 के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन से या कौन सा कथन सही है। पहला कथन है, इस पुरस्कार का नाम अर्थशास्त्री माइकल ई पोर्टर के नाम पर रखा गया है। दूसरा कथन है, स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में द इंडिया डायलॉग के दौरान पुरस्कार की घोषणा की गई है। और तीसरा कथन है, भारत को यह पुरस्कार पोलियो नियंत्रण में सफलता के लिए दिया गया है। आपके ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए केवल कथन एक और दो सही है, ऑप्शन बी केवल कथन दो और तीन सही है, ऑप्शन सी सभी कथन सही है, या फिर ऑप्शन डी सभी कथन गलत है। आज के हमारे पहले प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए। आइए इसकी व्याख्या देख लेते हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय को पोर्टर पुरस्कार 2023 प्राप्त हुआ है। COVID-19 के प्रबंधन में सरकार की रणनीति, दृष्टिकोण और अलग अलग हितधारकों की भागीदारी, विशेष रूप से PPE किट बनाने के लिए उद्योग में आशा कार्यकर्ताओं की भागीदारी के चलते ये पुरस्कार भारत को दिया गया है। दूसरा प्रश्न है, चर्चा में रही समर्थ योजना किस मंत्रालय से संबंधित है। आपके ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए मानव संसाधन मंत्रालय, ऑप्शन बी युवा विकास मंत्रालय, ऑप्शन सी सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय, या फिर ऑप्शन डी कपड़ा मंत्रालय। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन डी। आइए इसकी व्याख्या देख लेते हैं। समर्थ कपड़ा मंत्रालय का एक मांग संचालित और प्लेसमेंट उन्मुख कौशल कार्यक्रम है। इस योजना का उद्देश्य संगठित क्षेत्र में कताई और बुनाई को छोड़कर संपूर्ण कपड़ा मूल्य श्रृंखला में कौशल विकास और प्लेसमेंट उन्मुख प्रशिक्षण प्रदान करना है। ये योजना कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय द्वारा अपनाई गई व्यापक कौशल नीति ढांचे के तहत तैयार की गई है। तीसरा प्रश्न है, चर्चा में रहे स्वच्छ सुजल शक्ति सम्मान 2023 के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा या कौन से कथन सही है। पहला कथन है, इससे जल क्षेत्र में जमीनी स्तर पर महिलाओं के उत्कृष्ट प्रयासों को सम्मानित किया गया। दूसरा कथन है, इसी अवसर पर जल शक्ति अभियान कैच द रेन 2023 का शुभारंभ किया गया। आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए केवल कथन एक सही है, ऑप्शन बी केवल कथन दो सही है, ऑप्शन सी कथन एक और दो दोनों सही हैं, या फिर ऑप्शन डी ना ही एक और ना ही दूसरा कथन सही है। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी। आइए इसकी व्याख्या देख लेते हैं। जल शक्ति मंत्रालय स्वच्छ सुजल शक्ति सम्मान 2023 के माध्यम से मंत्रालय के अलग अलग कार्यक्रमों में योगदान देने वाली महिलाओं को सम्मानित करके अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मना रहा है। ये पुरस्कार महिलाओं को स्वच्छ भारत मिशन, ग्रामीण जल जीवन मिशन और राष्ट्रीय जल मिशन श्रेणियों के तहत उनके असाधारण योगदान के लिए मान्यता देगा। कैच द रेन अभियान सभी हितधारकों को 22 मार्च से 30 नवम्बर तक वर्षा जल संचयन संरचनाएं बनाने के लिए प्रोत्साहित करता है। चौथा सवाल है, चर्चा में रही इलेक्ट्रिसिटी ट्रांजिशन रिपोर्ट के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा या कौन से कथन सही है। पहला कथन है, ये रिपोर्ट ONGC द्वारा जारी की गई है। दूसरा कथन है, रिपोर्ट स्वच्छ बिजली संक्रमण के अलग अलग पहलुओं पर भारतीय राज्यों की प्रगति और प्रदर्शन को दर्शाती है। तीसरा कथन है, सूची में कर्नाटक और गुजरात शीर्ष पर है। आपके ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए केवल कथन एक और दो सही है, ऑप्शन बी केवल कथन दो और तीन सही है, ऑप्शन सी सभी कथन सही है, या फिर ऑप्शन डी सभी कथन गलत है। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी। आइए इसकी व्याख्या देख लेते हैं। ये रिपोर्ट इंस्टीट्यूट फॉर एनर्जी इकोनॉमिक्स एंड फाइनेंशियल एनालिसिस द्वारा जारी की गई है। संस्थान ऊर्जा बाजारों, प्रवृत्तियों और नीतियों से संबंधित मुद्दों की जांच करती है। स्वच्छ ऊर्जा परिवर्तन को अपनाने वाले भारतीय राज्यों की सूची में कर्नाटक और गुजरात शीर्ष पर हैं, जबकि बिहार, पश्चिम बंगाल और UP जैसे राज्य संक्रमण में पिछड़ गए हैं। आज का हमारा पांचवा और अंतिम प्रश्न है, कृत्रिम बुद्धि यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस द्वारा संचालित दुनिया के पहले रेडियो प्लेटफॉर्म का नाम क्या है। आपके ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए AI रेडियो, ऑप्शन बी गो रेडियो, ऑप्शन सी रेडियो GPT, या फिर ऑप्शन डी रेडियो बिंग। आज के हमारे पांचवें और अंतिम प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी। आइए इसकी व्याख्या देख लेते हैं। रेडियो GPT आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस द्वारा संचालित दुनिया का पहला रेडियो प्लेटफॉर्म है। ये ओहियो बेस्ड मीडिया कंपनी फ्यूचरी द्वारा बनाया गया है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि रेडियो GPT टॉपिक पल्स तकनीक का उपयोग करता है, जो फेसबुक,
ट्विटर, इंस्टाग्राम और समाचार और सूचना के 250 से अधिक अन्य स्रोतों को स्कैन कर मौजूदा मुद्दों की पहचान करेगा। तो आज के हमारे डेली एमसीक्यू प्रोग्राम में इतना ही। आज के हमारे 5 प्रश्नों में से आपके कितने प्रश्नों के जवाब सही हुए, इसके बारे में हमें इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलें।